शहर के लिए आतंक का पर्याय बन चुके बदमाश संतोष आंबेकर की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अपराध शाखा के डीसीपी राजमाने ने कहा कि कुख्यात बदमाश आंबेकर से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। पीड़ित लोग बेखौफ होकर उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बदमाश संतोष आंबेकर ने पिछले कई दशकों में शहर के लोगों पर अपना डर बनाकर करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति जमा की है। हाल ही में करोड़ों रुपए के जालसाजी में उनका नाम सामने आने पर पुलिस अब उसके खिलाफ किए गए अपराधों की सूची तैयार कर रही है। अब तक की पुलिस जांच में कई नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण की भी शिकायतें सामने आई है, जिस पर पुलिस गंभीरता से लेकर जांच शुरू कर दी है। अभी करके गुनाहों में ब्लैकमेल करना, डराना धमकाना, जबरन लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, पीड़ितों को ब्याज के पैसे देकर दी गई राशि से कई गुना रकम वसूलना, नाबालिग लड़कियों से जबरन संबंध बनाने जैसे कई गंभीर शिकायतों पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की है। एक प्रिवेंटेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोस्को अंतर्गत एक गुन्हा दाखल झालेला आहे। संतोष आंबेकर आणि त्याचा सहआरोपी आहे विवेक सिंग ठाकूर, कॉपर सलून नावाचं एक सलून आहे, त्याचे काही इतर पण फ्रँचायझीमध्ये काही सलून आहेत, तर त्या सलूनचा तो मालक आहे। या दोघांच्यावर एका पीडित बालिकेनं फिर्याद दिली होती, त्याच्यावर गुन्हा लकडगंज पोलीस स्टेशनला दाखल झाला। त्यानंतर पुढं मग क्राईम ब्रँचकडे त्याचा तपास आलेला आहे आणि महिला पोलीस अधिकारी त्याचा तपास पुढचा करत आहेत। हा जो आरोपी कस्टडीमध्ये घेतलेला आहे, त्यानंतर शक्यता आहे की अशाच ही जी मुलगी आहे अशासारख्या इतर पण पीडित असू शकतात की ज्यांच्यावर असा अत्याचार झालेला आहे। मी आपल्या द्वारे आवाहन करतो की जर असे कोण असेल तर त्यांनी बिंदासपणे न घाबरता आमच्याकडे यावं, कोणत्याही प्रकारचे त्यांचं नाव कुठं ओपन होणार नाही, त्यांना न्याय मिळेल, गुन्हे दाखल होतील अशावर। तर मी आपल्यातर्फे त्या सगळ्यांना आवाहन करतो पोलिसांच्या पुढे यावं, फिर्याद द्यावी बिंदासपणे। इस घिनोने क्रोध में कॉपर सलून के संचालक विवेक सिंह भी मदद करता था। वह अपने सलून में आने वाली छात्रों को बहला फुसला कर आंबेकर के पास भेजता था। यह सलून मालिक अवैध रूप से साहूकारी का भी धंधा करता था और संतोष आंबेकर का डर दिखाकर पीड़ितों से 3 से 4 गुना पैसे वसूलता था। पुलिस ने इस पर भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस के इस काम में शहर की जनता खासकर आंबेकर से पीड़ित लोगों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। मैं आपल्या द्वारे आवाहन करतो की जर असे कोण असेल तर त्यांनी बिंदासपणे न घाबरता आमच्याकडे यावं, कोणत्याही प्रकारचे त्यांचं नाव कुठं ओपन होणार नाही, त्यांना न्याय मिळेल, गुन्हे दाखल होतील अशावर। तर मी आपल्यातर्फे त्या सगळ्यांना आवाहन करतो पोलिसांच्या पुढे यावं, फिर्याद द्यावी बिंदासपणे। V24 तास के लिए कॅमेरामॅन लोकेश मोहिते के साथ रितेश बोरकर, नागपूर।